jolt and then you'll die. तो हमारे पास पैशन प्लस आया हुआ है, गाड़ी में क्या हो रहा है, बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा है। बैटरी चार्जिंग अभी देखो, मैं टाकी ये पूरा ओपन किया हूँ मैं। अब टाकी किस लिए ओपन किया हूँ मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ मैं। अभी ये गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ये जो ल्यूटन लाइट होता है, इंडिकेटर होता है, कुछ भी चलता नहीं है। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे पहले आपको क्या चीज़ चेक करना है उसका तरीका बता देना। पहले आपको स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए कुछ चालू नहीं है। मैंने टाकी ओपन किया हूँ, अब इसमें आपको चेक करना है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही नहीं हो रही है। उसका चेक करने का तरीका पहले फर्स्ट नंबर दे है कि इसमें देखो दो वायर लगा हुआ है, दो वायर फ्यूज का रहता है। एक करंट जो चार्जर होता है वहाँ से आता है और एक करंट बैटरी से मान लो आता है और ये जाता है पूरा बॉडी लेटर से वायरिंग के लाइन में पूरा जाता है। तो इसको अगर चेक करना है आपको, समझ लो आपका अभी बैटरी फुल डाउन है, तो उसको चेक करने का तरीका बता दे रहा हूँ मैं। ये गाड़ी स्टार्ट की है, एक बार जैसे अर्थिंग है इसमें पुराना जीव नहीं आ रहा करंट। ये देखो इसमें भी करंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ समझ लो, यहाँ से भी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपको टाकी ओपन करके देखना है कि हमारा जो चार्जर होता है वहाँ कहीं से वायर तो नहीं कट होता है। अक्सर करके ये गाड़ी में जैसे पैशन में स्प्लेंडर में क्या होता है, वायर कट हो जाता है। अभी वायर कहाँ से कट हुआ दिखाता हूँ। ये देखिए वायर ये कट हो गया हुआ है और पहले से भी कट हुआ था, ये इसमें ज्वाइन किए थे तो इसलिए बैटरी को चार्जिंग नहीं हो रहा था। अब इसको मैं कट करके इसमें छील के वापस लगा रहा हूँ कि आपको स्टार्ट के बताता हूँ मैं इसको कैसे है। एक टाकी नीचे आता है, टाकी को ओपन करना पड़ता है। ये देखिए पहले से लगा हुआ था, ये देखिए ये वायर यहाँ से समझ लो पानी जा के ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, तो निकल जाता है, कट जाता है। तो इसको अभी वापस इसको वायरिंग को छील के लगा रहा हूँ मैं। अभी वायर को देखो ये छील के यहाँ लगा, देखो लग रहा है इसमें। अभी इसमें लगाने के बाद फिर इसमें चार्जर में लगाते हैं, लगाने के बाद फिर आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं। इसका जो चार्जिंग का प्रॉब्लम था, ये वायर कट वजह से हो रहा था। ये वायर लग गया हुआ है, ये सॉकेट लगा दिया हूँ, वायर इसमें छील के लगा दिया हूँ। अब गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, तो गाड़ी स्टार्ट कर दिया हूँ। अब अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, ये देखिए ये लाइट चालू हो गया हुआ है। अभी जो करंट होता है, अभी देखिए देखो करंट आना चालू हो गया, देखिए ऐसे करंट आना चाहिए। देखो क्योंकि ये बैटरी का वायर नहीं है, ये चार्जिंग का है और ये बैटरी का वायर है। चार्जिंग का वायर देखो यहाँ से आया हुआ रहता है, देखिए इसमें से वायर आके और जो स्विच होता है उसमें जाता है और एक बैटरी का कनेक्शन में आता है। इसमें देखिए करंट आता ही नहीं आता, देखिए वापस दिखा दे रहा आपको मैं। अभी इसका जो चार्जिंग का प्रॉब्लम था, ये 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, खाली इसका वायर कट हुआ था इसलिए चार्जिंग नहीं हो रहा था। कभी भी वापस रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी अगर बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा, सबसे पहले आपको जो तरीका बताया मैं ये तरीका यूज़ करना, करंट आ रहा है नहीं आ रहा। अगर करंट नहीं आ रहा है, समझ लो अगर बैटरी आपका चार्ज है, अगर आप इसमें एक्सपायर करोगे कोई भी एक वायर में आपको एक्सपायर होगा, करंट आएगा। जिसमें करंट आ रहा है उसको साइड में रख देना चाहिए और जिसमें करंट नहीं आ रहा है, समझ लो फिर स्टार्ट करके करंट आता है फिर उसमें एक्सपायर करके देखना चाहिए। अगर उसमें आ गया करंट, समझ लो उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो आपका हो सकता है जो चार्जर, जैसे ये गाड़ी के अंदर वायर कट हुआ है, आपकी भी गाड़ी में हो सकता है कट जाता वायर, तो चार्जिंग नहीं होगा। नहीं तो आपका ये चार्जर भी ख़राब हो सकता है, नहीं तो मैग्नेट कॉइल का जो होता है वायर वो भी ख़राब हो सकता है, नहीं तो मैग्नेट कॉइल ख़राब हो सकता है। और जो चार्जिंग का वायर होता है, मैग्नेट जो वायर आता है, जो वाइट कलर का वायर है, मैग्नेट कॉइल का है जो बैटरी को चार्ज करता है, जो पीला वाला है ये हेडलाइट को चालू करता है। इसमें दो वायर आया हुआ रहता है, दोनों वायर में कंपलसरी करंट आता है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद। ये तरीका है चेक करने का, आपका चार्जिंग अगर प्रॉब्लम हो रहा है या बल्ब फूट रहा है, इससे सब चीज़ है।
अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटे दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास इजी से पहुँच जाएगा।